आधा घस भी चुका है, लेकिन पानी का आफत काल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बाढ़ और बारिश से तबाही की तस्वीरें आज भी भयावह सामने आ रही हैं, जो चिंता बढ़ा देने वाली हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश से शहर शहर जल भराव के हालात बने हुए हैं। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि ये परिवार कितना मजबूर है। गांव के रास्ते में पड़ने वाली घोड़ा पछाड़ नदी का जलस्तर इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है। शक्ति टोला गांव में इस महिला को जब प्रसव पीड़ा हुई तो लोगों को आनन फानन में उफनती नदी पार कर महिला को अस्पताल पहुँचाना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि हर साल इसी तरह बारिश के मौसम में लोगों को जूझना पड़ता है। हर बीमार को ऐसे ही ले जाना पड़ता, अगर ज्यादा हो जाती फिर रस्सी बांध के निकालना पड़ता है। इस नदी पर पुल बनाने की मांग लंबे वक्त से हो रही है। पुल बना होता तो आजादी के 75 साल बाद भी इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलती। मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली की तस्वीरें देखिए। दिल्ली में एक बार फिर से यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है, जिसके चलते निचले इलाकों में मुसीबत बढ़ गई है। यमुना में बड़े जलस्तर को देखते हुए बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। निचले इलाकों से लोगों को निकाल कर सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे से ऊपर के निशान पर है। 204.5 मीटर तक ये स्तर आ पहुंचा है और पिछले हफ्ते ये स्तर 205 मीटर आ गया था, जिसके बाद लगभग 7,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। दरअसल बारिश के चलते हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से और पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यमुना नदी में जलस्तर खतरे के निशान 204.5 मीटर को पार कर गया और अब यमुना का यही पानी दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ा रहा है। वैसे आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। शहर शहर बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गुजरात के कई शहरों में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। सूरत के पर्वत पाटिया इलाका पानी पानी नजर आ रहा है। खाड़ी में बाढ़ आने की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। गीतानगर सोसाइटी में भी बारिश के चलते पानी भर गया है। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। चंबल नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। चंबल नदी में खतरे का निशान 130.79 मीटर है, जबकि जलस्तर 135.80 मीटर के पार पहुंच चुका है। लगातार बारिश से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। गुजरात की तस्वीरें देखिए। साबरकांठा में धरोई डैम में जलस्तर काफी बड़ा हुआ नजर आ रहा है। डैम में 622 फीट पर खतरे का निशान है, जबकि डैम का जलस्तर 616.62 फीट तक पहुंच चुका है। हालात देखते हुए प्रशासन ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। उड़ीसा में लगातार बारिश से परिस्थिति चिंताजनक बनी हुई है। खोरधा के गांव में 15 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बचाया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।